शारदीय नवरात्रि धूमधाम से मनाया जा रहा है। नवरात्रि के पावन अवसर पर सुबह से ही देवी के मंदिरों में भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया है। बस्तर की आराध्या माई दंतेश्वरी के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। माई दंतेश्वरी बस्तर की कुल देवी मानी जाती है। छत्तीसगढ़ से ही नहीं बल्कि कई राज्यों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु दंतेश्वरी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। देवी की आराधना करके एक राजा होने के नाते और एक पुजारी होने के नाते तो बस्तर संभाग के लिए मैं यह संकल्प लेता हूं और साथ साथ इतने हमारे राजगुरु जी सब उपस्थित होते हैं और पूजा अर्चना करके हम बस्तर को खुशहाल रखने की और साथ साथ ये कामना करते हैं कि आने वाले समय में हमारा बस्तर आगे बढ़े, हमारे लोग आगे बढ़े और हमारा बस्तर का विकास हो, इसकी कल्पना करते हैं और यही कामना करते हैं कि आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो हमारे बस्तर में। इसी का संकल्प लेते हैं ताकि सभी फले फूले जो संकल्प लिया जाता है वही संकल्प मत पूरे बस्तर संभाग के लिए एक बार में लिया जाता है। और साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर 5500 से आसपास तेल के दिए जले हैं और 700 के करीब करीब हमारे घी के दिए जले और आज भी काउंटिंग जारी है क्योंकि आज भी पहला दिन है जो लोग करते हैं। इनकमिंग वॉइस कॉल फ्रॉम प्लस समय में और ज़्यादा होगा तो यही माता की कामना, माता से यही प्रार्थना किए हैं दोनों माताओं से, मौली माताओं से, दंतेश्वरी माई से, साथ साथ हमारे कुलदेवी जो हमारे वारंगल से यहाँ पे आई है, हमारे कुलदेवी से, सभी से यही प्रार्थना किए हैं ताकि आने वाले समय बस्तर आगे बढ़े, बस्तर का विकास हो। किसी खास व्यक्ति के नाम से दिया जला है? खास व्यक्ति के नाम से दिया नहीं जलाया जाता, यहाँ पे जो जलाया जाता है सिर्फ और सिर्फ माई दंतेश्वरी की आराधना के लिए और साथ साथ मैं जो संकल्प लेता हूँ वो बस्तर संभाग के लिए दिया जाता है और ये ज्योति कलश होता है। साथ साथ जो शक्ति की आराधना होती है वो जिसका हम खंडा रख करके जो तलवारें रख करके की जाती है वो भी शक्ति की उपासना होता है और उसी उपासना के साथ हम दंतेश्वरी माई का आगे बढ़ाते हैं। ठीक कर देते हैं। क्या कुछ खास है, क्या मांगेंगे बन रहा तुम? अच्छा, अगर कतार की बात करें कितनी लंबी कतार लगी हुई है दर्शन के लिए? काफ़ी लंबा कतार लगा है जी। और मैं आप लोगों के जगह थोड़ा सामान भी देना चाहूँगी, थोड़ा पंडाल की व्यवस्था कर दें। उस समय में क्या सब फास्ट में रहते हैं, फास्ट में होते हैं तो कभी बेहोश होने का भी ये रहता है, बहुत दूर से श्रद्धालु आते हैं। मंदिर प्रशासन से ये कहना चाहूँगी आपके माध्यम से कि थोड़ा पंडाल की व्यवस्था हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। TCP24 न्यूज़ के लिए जगदलपुर से विजय पचौरी की रिपोर्ट।